और लाल होगा चंद्रमा का रंग। 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण मंगलवार 8 नवंबर को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा आप सभी को। साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग लाल हो जाएगा और ये नजारा इसीलिए भी खास है क्योंकि अगले 3 साल तक आसमान में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला है और दुनिया के कई हिस्सों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। उत्तरी और मध्य अमरीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। वही भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप में दिखाई देगा। बता दें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण का शुरुआती नजारा जहां चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि पूर्व राज्य में चंद्र ग्रहण के अंतिम चरण में लाल चंद्रमा की एक झलक दिखाई जरूर देगी। इस चरण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में बाहर निकलता है और हल्के लाल रंग का नजर आएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत मंगलवार को शाम 5:12 पर शुरू होगा। वही बिना किसी उपकरण के देख सकेंगे आप चंद्र ग्रहण। भारत में ये नजारा त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में दिखाई देगा। वही सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि टेलीस्कोप से देखने पर खगोलीय घटना और बेहतर नजारा दिखाई देगा। वही चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से होकर चंद्रमा तक पहुंचेगा। धूल और बादल से बढ़ेगा लाल रंग। वही अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वातावरण में जितनी अधिक धूल या बादल होंगे चंद्रमा उतना ही लाल दिखाई देगा। इससे पहले 25 अक्टूबर को सूर्य पर चंद्रमा की काली छाया पड़ी थी और आंशिक सूर्य ग्रहण की यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के पश्चिमी भागों में दिखाई दिया था। सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया था जहां चंद्रमा ने 80% सूर्य को ढक दिया था। इस दौरान खाना पीना, सोना, नाखून काटना, भोजन बनाना, तेल लगाना आदि कार्य करने से भी मना किया गया है। और सूतक काल आपको बता दें किसी से झूठ बोलना, छल कपट, बेकार का वार्तालाप और मूत्र विसर्जन आदि से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। बता दें सूतक शुरू होने से पहले ही अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में कुशा, तृण आदि रख सकते हैं जिससे दूषित ना हो सके। कुशा ना होने पर तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं और कहते हैं कि सूतक के दौरान किसी भी गर्भवती महिलाएं पेट पर गोबर का लेप लगा सकती है और इस दौरान चाकू, सुई आदि से कोई कार्य ना करें। इस दौरान टहलते और सोने से भी परहेज करें।